आज आप देख रहे हैं चित्रकला के अंतर्गत एक उपविषय ज्यामिति। आज आप लोगों को ज्यामिति पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आपको मालूम है, इसके पहले मैंने पार्ट छठवां पढ़ा चुका हूं, यानी कि निर्मित नंबर 24 तक आपका हो गया था और अध्याय आपको मालूम है तीसरा चल रहा है अंतर्गत आकृतियाँ। इसके अंतर्गत देखिए निर्मित नंबर 25 में एक विषमबाहु त्रिभुज है। उस विषमबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक ऐसी आयत की रचना करनी है जिसकी भुजा की माप है 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें एक विषमबाहु त्रिभुज बनाएंगे। इसकी भुजा है AB बराबर है 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद में एक दूरी ले लेना 3.5 सेंटीमीटर की। 3.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के A बिंदु से चाप लगाया, और इसके बाद में 4 सेंटीमीटर की दूरी ले लेना, B बिंदु से इस कट को काट देना। इस तरह से हमारा विषमबाहु त्रिभुज बन जाएगा ABC। अब इस त्रिभुज के अंतर्गत में ऐसे आयत की रचना करनी है जिसकी भुजा की माप है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के हम B बिंदु से इस आधार पे चाप लगा देंगे। ये कितने का चाप लगा? 3 सेंटीमीटर का। यहाँ पर डाला K बिंदु से ये जो रेखा है BC रेखा के समानांतर रेखा खींचेंगे हम ऊपर की ओर। जहाँ ये जाकर के टकराए वहाँ पर डाल देना L बिंदु से इस AB रेखा के समानांतर रेखा खींच लेना। इस तरह से यहाँ पर डाल देना M बिंदु से नीचे की ओर लंब डाल लो। यहाँ पर डाल लेना L बिंदु पर नीचे की ओर लंब डाल लो। यहाँ पर डाल देना O बिंदु। इस तरह से जो हमारा आयत बना LMNO, एक ऐसा आयत होगा जिसकी एक भुजा की माप हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए निर्मित नंबर 26 लगभग निर्मित नंबर 25 की तरह है। इसमें भी विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा की माप है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इस विषमबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वर्ग की रचना करनी है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर की रेखा खींची, AB रेखा बराबर 6 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के A बिंदु से चाप लगाया, 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के B बिंदु से उसे काट दिया, यहाँ पर डाल दिया C बिंदु, C को A से मिलाया और C को B से मिलाया। ये बन गया हमारा विषमबाहु त्रिभुज। इस विषमबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वर्ग की रचना करनी है। कैसे करेंगे। सबसे पहले C बिंदु से हम नीचे की ओर लंब डालेंगे। ये लंब हमारा AB रेखा को काटेगा O बिंदु पर। O और A को आगे की ओर बढ़ा लेना। इसके बाद में O और C की दूरी लेकर के C बिंदु से हमने यहाँ पे चाप लगाया और O बिंदु से चाप लगाया, इस बिंदु से इसे काट दिया। इस तरह से ये हमारा बन गया वर्ग। लेकिन ये वर्ग ऐसा बनेगा जो इस त्रिभुज के बाहर बनेगा। इसके बाद में इस कोण को सीधा B से मिला देना। इस कोण को B से मिलाने वाली रेखा हमारी इस त्रिभुज की भुजा को काटेगा। पहले तो यहाँ पर इस भुजा का माप डाल लें 4 सेंटीमीटर और ये थी 5 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर डाल लें K बिंदु से ये जो आधार रेखा है इस आधार रेखा के समानांतर रेखा खींच लेना। यहाँ पर डाल देना L बिंदु से ये जो लंब था इस लंब के समानांतर नीचे की ओर रेखा खींच लेना जो कि यहाँ पर काटेगी M बिंदु पर। इसके बाद में K बिंदु से फिर इसी लंब के समानांतर नीचे की ओर रेखा खींच लेना। यहाँ पर डाल देना M बिंदु। ये जो तुम छोटा सा वर्ग देख रहे हो KLMN, एक ऐसा वर्ग होगा जो कि इस विषमबाहु त्रिभुज के अंतर्गत बन जाएगा। चलिए अब देखिए निर्मित नंबर 27 में एक पतंगाकार चतुर्भुज है जिसकी कर्ण की माप है 5 सेंटीमीटर और जो भुजा होती है 1.5 की और 1.4 की। सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर की रेखा खींची, AC रेखा। इसके बाद हमने 2.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के A बिंदु से ऊपर की ओर और नीचे की ओर चाप लगाया। इसके बाद हमने 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के C बिंदु से
ऊपर वाले चाप को नीचे वाले चाप को काट दिया, यहाँ पे डाला बी बिंदु और यहाँ पे डाला डी बिंदु, बी को ई से मिलाया, बी को सी से मिलाया, सी को बी से मिलाया, ए को बी से मिलाया। ये देखिए बन गया पतंगाकार चतुर्भुज। इस पतंगाकार चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग की रचना करनी है। देखिए कैसे करेंगे, माना कि हमने सबसे पहले एक वर्ग बनाएंगे जिसकी आधार रेखा ए सी ले ली, ए सी के सी बिंदु पर हमने लंब डाला नीचे की ओर। इसके बाद में ए सी की दूरी लेकर के सी बिंदु से नीचे चाप लगा दिया, यहाँ से यहाँ चाप लगा दिया, ए सी से काट दिया, तो ये हमारा बन गया वर्ग। लेकिन ये वर्ग कैसा बना, इस पतंगाकार चतुर्भुज के बाहर यहाँ पर डाल लीजिए बाई दबे ओ बिंदु, यहाँ पर डाल लीजिए पी बिंदु, डी को सीधा ओ से मिला दो, डी को पी से मिला दो। ए रेखा हमारी इस साइड वाली ए बी रेखा को काटेगी के बिंदु पर और इस साइड काटेगी एल बिंदु पर, के को एल से मिला दो। इस एल बिंदु से ये जो रेखा है इस रेखा के समानांतर ऊपर की ओर रेखा खींच दो, ये जो हमारा के बिंदु है के बिंदु से इस रेखा के समानांतर ऊपर की ओर रेखा खींच दो, ये रेखा जहाँ जाकर के मिले यहाँ पर डाल दो एम बिंदु और यहाँ पर डाल दो एम बिंदु। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा के एल एम एन, ऐसा वर्ग जो कि इस पतंगाकार चतुर्भुज के अंतर्गत है। देखिए निर्वय नंबर 28, निर्वय नंबर 28 हालांकि कठिन कुछ नहीं है, वही है उसमें पंचभुज है जिसकी भुजा की माप है 4.5 सेंटीमीटर। इस पंचभुज के अंतर्गत हमें वर्ग की रचना करनी है। ये कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने 4.5 सेंटीमीटर की ए बी रेखा खींची, इस ए बी रेखा का अर्धक किया, ओ बिंदु डाला, ओ को केंद्र मान करके बी की दूरी से अर्धवृत्त बनाया, जिसने लंब को काटा नंबर एक पर, ए बी की दूरी लेकर के ए बिंदु से यहाँ चाप लगाया जो कि काटा नंबर तीन पर, एक और तीन का अर्धक किया जैसा कि तुम्हें मालूम है यहाँ पर हुआ नंबर दो, इस नंबर दो को केंद्र मान करके एक ही दूरी से हमने वृत्त बनाया जो कि जाकर के मिलेगा बी बिंदु पर। इसके बाद में हम ए बी की दूरी ले लेंगे और ए बी की दूरी लेकर के ए बिंदु से यहाँ पर चाप लगाएंगे, बी बिंदु से यहाँ पर चाप लगा के ऊपर जहाँ ये हमारा लंब काट रहा यहाँ पर डाल देना सी, यहाँ पर डाल देना डी, यहाँ पर डाल देना ई। इस तरह से ये जो है हमारा बन गया पंचभुज जिसकी भुजा की माप है 4.5 सेंटीमीटर। हमें इस पंचभुज के अंतर्गत वर्ग की रचना करनी है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने सी को ई से मिलाया, ए और सी की सी बिंदु पर लंब डाला नीचे की ओर, ई सी की दूरी लेकर के सी बिंदु से यहाँ काटा और यहाँ से यहाँ चाप लगाया और ई से काट दिया जैसे कि निर्वय नंबर 27 में देखा था। ये हमारा वर्ग बन गया। इसके कोने को यहाँ पर डाल लीजिए पी बिंदु, यहाँ पर डाल लीजिए क्यू बिंदु, डी को सीधा पी से मिलाया, डी को सीधा क्यू से मिलाया। ये दोनों मिलाने वाली रेखाएं इस रेखा को काटेगी के बिंदु पर, यहाँ पर काटेगी एल बिंदु पर, के को एल से मिला दिया। इस साइड की रेखा के समानांतर बी बिंदु एल बिंदु से ऊपर की ओर रेखा खींची जो कि काटेगी एम बिंदु पर। इसके बाद में एम बिंदु से ये जो ई सी रेखा है इस एम बिंदु से इसके समानांतर रेखा खींच लीजिए, यहाँ पर डाल दीजिए एन बिंदु और एन को एल से मिला दीजिए। ये जो हमारा वर्ग बना के एल एम एन, ये ऐसा वर्ग होगा जो कि पंचभुज के अंतर्गत होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आप पूरा वर्ग करके हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर एक बार चेक जरूर करा लें। आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं।